नमस्ते आज आपके सामने लेकर आई हूँ मेरकाबा मेडिटेशन ये एक ऐसा मेडिटेशन है जिससे आपका सातों जो चक्र है वो अगर बंद हो जाता है या फिर एक भी चक्र बंद हो जाता है शरीर में तो उसको खोलने के लिए ये बहुत काम आता है पहले किसी शांत जगह पे बैठ जाइए अगर बैठने में तकलीफ़ है तो लेट जाइए सीधा लेट जाइए अब धीरे धीरे सांस लीजिए पाँच गिनती कीजिए सांस लीजिए पाँच गिनती कीजिए सांस को होल्ड कीजिए और पाँच गिनती करते हुए सांस को छोड़ दीजिए ऐसा काम पांच बार कीजिए समय लेकर कीजिए ताकि मेडिटेशन में आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए चलिए अब शुरू करते हैं मेरे मेडिटेशन सबसे पहले अपना पहला अंगूठा और थम यानी पांचवा अंगूठा एक साथ टच कीजिए दोनों हाथ से कीजिए दोनों हाथ को अपने थाई से थोड़ा सा ऊपर उठाइए सांस लीजिए अब सांस धीरे धीरे छोड़ दीजिए अब मन ही मन एक उज्जवल लाल रंग का कल्पना कीजिए देखिए कि आपके चारों ओर बस एक लाल ही लाल रंग है ये होता है हमारा रूट चक्र या मूलाधार चक्र का रंग इसे अनुभव कीजिए महसूस कीजिए कि आपका मूलाधार चक्र ओपन हो रहा है सांस को होल्ड कीजिए धीरे धीरे पांच गिनती करते हुए उसे छोड़ दीजिए आप धीरे धीरे हाथ की दूसरी उंगली और पांचवे उंगली को टच कीजिए सांस को होल्ड कीजिए पांच गिनती कीजिए छोड़ दीजिए अब मन ही मन एक ऑरेंज रंग का कल्पना कीजिए जो आपके सेक्रल या फिर स्वादिष्टन चक्र का रंग है प्रतीक है धीरे धीरे उस रंग में डूब जाइए महसूस कीजिए कि आपका स्वादिष्टन चक्र ओपन हो रहा है सांस लीजिए होल्ड कीजिए सांस को छोड़ दीजिए अभी धीरे धीरे उंगलियों का परिवर्तन करके हाथ के तीसरे अंगूठे और पहले अंगूठे पांचवें अंगूठे को एक साथ टच कीजिए सांस लीजिए पाँच गिनती करते हुए होल्ड कीजिए उसके बाद इसे छोड़ दीजिए अब मन ही मन एक ब्राइट येलो कलर का कल्पना कीजिए कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर एक ब्राइट येलो कलर है जिसमें आप बिल्कुल भीग रहे हैं डूब जा रहे हैं बहुत सुंदर एक येलो कलर है महसूस कीजिए कि आपका मणिपुर चक्र नाभि चक्र या फिर सोलर प्लेक्स जो चक्र है वो ओपन हो रहा है सांस धीरे धीरे लेते हुए होल्ड कीजिए पांच गिनती के बाद छोड़ दीजिए अब फिर से अंगुली का परिवर्तन कीजिए हाथ का चौथा अंगूठा और पाँचवा अंगूठे को स्पर्श कीजिए दोनों हाथ से कीजिए बहुत सुंदर ग्रीन कलर का कल्पना कीजिए जो हार्ट चक्र या फिर अन्हाथा चक्र का प्रतीक है महसूस कीजिए कि आपका अनाहा चक्र हार्ट चक्र ओपन हो रहा है धीरे धीरे उस गहरे सुंदर ग्रीन कलर को महसूस कीजिए धीरे धीरे सांस लीजिए पांच गिनती कीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए अब फिर से अंगूठा परिवर्तन करने का समय आ गया है अब हाथ के पहले अंगूठा और पांचवें अंगूठे को स्पर्श कीजिए बहुत सुंदर नीला रंग ब्लू कलर का कल्पना कीजिए जो थोट चक्र या फिर कंठ चक्र या फिर विशुद्ध चक्रा की प्रतीक है महसूस कीजिए कि आपका कंठ चक्र ओपन हो रहा है धीरे धीरे उस नील रंग को महसूस करते रहिए थोड़े देर बाद सांस लीजिए धीरे धीरे पांच गिनती करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए अब फिर से अंगूठे को परिवर्तन करना है पांचवे अंगूठे और हाथ के दूसरे अंगूठे को स्पर्श कीजिए अब बारी है हमारे थाड आई चक्र या फिर अजना चक्र की महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर एक बहुत ही सुंदर लाइट ब्लू कलर है इंडिगो कलर है वो कलर चारों ओर से आपको घेर रहा है आपका थर्ड आई चक्र धीरे धीरे ओपन हो रहा है किसी किसी को थर्ड दोनों भूम के बीच में थोड़ा सा पेन अनुभव हो सकता है लेकिन ये बहुत साधारण बात है आंखें मत खोलिए थोड़ा सा अपने मन पे कंट्रोल कीजिए अनुभव कीजिए कि आपका आई चक्र खोल रहा है आप सांस लीजिए पांच गिनती कीजिए और छोड़ दीजिए अब फिर से अपने हाथ के तीसरी उंगली और पाँचवी उंगली को स्पर्श कीजिए बहुत सुंदर बैंगनी रंग का कल्पना कीजिए कल्पना कीजिए और अनुभव कीजिए कि आपका क्राउन चक्र या मुकुट चक्र जो होता है वो ओपन हो रहा है एक बहुत शांति का आपको अनुभव हो रहा है चारों ओर एक ब्राइट वायलेट कलर है और वो कलर आपको बहुत शांति दे रहा है उस कलर में थोड़ी देर डूब दे रही है आप सांस लीजिए धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए आप एक गहरी सांस लीजिए आप धीरे धीरे उस सांस को छोड़ दीजिए आँखों को बंद करते समय ही बंद करके ही रहिए और इस वक्त अपने चारों ओर बहुत शांति और आनंद का अनुभव कीजिए परमेश्वर को जो भी आपके ईश्वर है यहाँ पर जात धर्म की कोई अलग बात नहीं है जो भी आपके इष्ट देव है भगवान है परमेश्वर है और है उनको प्रणाम कीजिए आप लोग इसके साथ कोई भी और मेडिटेशन या फिर हीलिंग कर सकते हैं अभी आंखें खोलने का समय है उससे पहले मन ही मन बोलिए ओम सस्ती ओम सस्ती ओम सस्ती Ten namaskar.